दोस्तों बहुत लोगों का मानना है कि ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चलाने में बहुत डर लगता है। देखिए दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको अपनी गाड़ी संभाल कर चलानी होती है। सामने वाली गाड़ी का टायर दिखना बंद हो जाए तो आपको अपनी गाड़ी रोक देनी है। राइट साइड में जो गाड़ी आ रही है उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो लोग अपनी गाड़ी को खुद संभाल के चलाते हैं। आप बस सामने देखिए, सामने देख कर गाड़ी चलाइए। लेफ्ट में भी देखिए जो गाड़ी आ रही है दोस्तों, अपनी गाड़ी को वो लोग खुद संभाल के चलाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी गाड़ी को चलाइए, सामने वाली गाड़ी जब रुक जाए, उसका टायर दिखना बंद हो जाए तो आपको अपनी गाड़ी रोक देनी है, एकदम सुरक्षित रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रैफिक के अंदर क्लच को कैसे कंट्रोल करना है और एक्सेलेरेटर ब्रेक को कैसे कंट्रोल करना है। देखिए दोस्तों, ट्रैफिक के अंदर देखिए मैं किस तरह से गाड़ी चला रहा हूँ, क्लच को पूरा छोड़ के पैर हटा लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी दिन से गाड़ी चलाता हूँ, इसके लिए मैं ऐसा कर पाता हूँ ट्रैफिक के अंदर भी। लेकिन दोस्तों अगर आप एक नए ड्राइवर हैं, बिगनर हैं, तो आपसे ऐसा नहीं होगा, तो आप स्टार्टिंग में क्लच पे पैर रखे हल्का सा चला सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी आदत को सुधार लेंगे तो आप भी क्लच पर से पैर हटा के गाड़ी अच्छे से चला लेंगे। देखिए किस तरह से मैं चलाता हूँ, मैं फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल के रखा हूँ और आराम से एक्सेलेरेटर और ब्रेक पर कंट्रोल कर रहा हूँ, ज़्यादा क्लच का यूज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आपको समय समय पे क्लच दबाना भी ज़रूरी होता है। आप स्टार्टिंग में पैर रख सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप धीरे धीरे आदत को सुधारेंगे तो सुधर जाएगा, फिर आप भी आराम से गाड़ी चला लेंगे बिना क्लच पे पैर रखे। चाहे कितनी भी ट्रैफिक हो, आप उस हिसाब से गाड़ी को मूव करेंगे आगे की तरफ की, आप अच्छे से ड्राइविंग कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होती है गाड़ी चलाने में। ट्रैफिक के अंदर हो चाहे ट्रैफिक से बाहर हो, आप अच्छे से ड्राइविंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं सेकंड गियर डालने वाला हूं, क्योंकि आगे का ट्रैफिक क्लियर हो चुका है, तो मैं सेकंड गियर डाल दिया हूं। अब गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।